सात गारंटी है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और अपने परिवार के लिए 3,000 रुपए देने का, 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त खर्च महिलाओं के कमेटी को देने का, और स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, कठुआ में रैली को संबोधित कर रहे थे और भाषण के समय उनकी तबीयत बिगड़ती है, फिर थोड़ी देर के विराम के बाद वो फिर से बोलना शुरू करते हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, भाषण के समय खड़गे की तबीयत बिगड़ जाती है। हमारी सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कोमल, मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ती है, कुछ देर के लिए भाषण रोकते हैं, फिर से भाषण शुरू कर देते हैं। देखिए, माहौल ऐसा था कि वहां पर गर्मी है, थोड़ी उमस है, और आपको बता दें कि वो जो उनकी गति, आपने देखा कि उनकी जो बात करने की गति थी, भाषण देने की गति थी, वो धीमी होती चली गई। और उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए फिर बोला और फिर से वो, लोगों को भी लगा, आसपास के जो मंच पे लोग बैठे थे उनको भी लगा कि उनकी तबीयत खराब है। एकदम वो इतने आत्मविश्वास से बोल रहे थे, उनके बोलने की जो गति है वो धीमी होने पर सभी ने उनको घेरा। और अभी आपको बता दें कि वो मंच पर से ही उनको अस्पताल ले जा रहे हैं उनकी तबीयत के बारे में, क्योंकि क्या हुआ है, उनका चक्कर आया है या फिर उनके हृदय में कोई दिक्कत आई है, इसकी जाँच की जा रही है। अभी आपको बता दें कि ये एक बड़ी खबर है कि वो मंच पर थे, बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े आत्मविश्वास से वो मंच पर आए, वो अपना भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते उनकी बात करने की गति, भाषण की गति उनकी कम हुई और धीमी गति में बात करते करते वो बोलना बंद हो गए। जी जसप्रीत, बिल्कुल। कोमल, अगर हम उनके आगे के कार्यक्रम के बारे में बात करें तो पूरा कार्यक्रम उनका क्या था? जी बिल्कुल, उन्होंने अभी जसरोटा के बाद उन्होंने एक और रैली करनी थी और उसके बाद उन्होंने वापस दिल्ली लौटना था, और जिस तरह के अभी हालात हो गए हैं मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी रैली को संबोधित करेंगे, हालांकि लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। ठीक है कोमल, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका।